नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल संसाधन प्रबंधन की बैठक, नदी जोड़ योजना पर महत्वपूर्ण चर्चा, बाढ़ प्रबंधन के उपायों पर विमर्श। बालू घाटों की संख्या हुई दोगुनी, अवैध खनन रोकने के लिए भी उपाय, 15 अक्टूबर से बालू खनन की होगी शुरुआत। इन 5 राज्यों में सबौर विजय धान का उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला यह धान कम पानी में होता है अधिक उत्पादन। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, स्कूलों में आधार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, बच्चों का आधार 30 अक्टूबर तक करें अपडेट। गौतम गंभीर का मारते जाओ संदेश, T20 में भारत की धमाकेदार जीत, रिंकू और नीतीश की अर्धशतक से भारत की विजय। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बाढ़ प्रबंधन, नदी जोड़ योजना और गाद की समस्या पर भी चर्चा की गई। प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपायों पर जोर दिया। कोसी मेची लिंक परियोजना, इंद्रपुरी जलाशय योजना और गंगा और के पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखने पर भी चर्चा की गई। गाद प्रबंधन के लिए व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस में शामिल करने का मुद्दा भी उठाया गया। केंद्र सरकार ने बिहार को दशहरा और दीपावली से पहले 17,921 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। यह राशि कर हस्तांतरण के तहत अक्टूबर 2024 में राज्य को मिलने वाली हिस्सेदारी के साथ साथ एक अग्रिम किस्त के रूप में जारी की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह राशि राज्यों के विकास और कल्याण खर्चों को वित्त पोषित करने के लिए दी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे राज्य में विकास कार्यों को नई गति देने वाला बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्रीय करों में 1,13,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। बिहार में 15 अक्टूबर से बालू खनन फिर से शुरू होने जा रहा है और अब बालू घाटों की संख्या बढ़कर 984 हो गई है। यह वृद्धि बड़े घाटों के विभाजन के कारण हुई है, जिससे 400 नए घाट बने हैं। अब तक 373 घाटों की नीलामी पूरी हो चुकी है, जबकि 611 घाटों की प्रक्रिया जारी है। 237 घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन केवल 152 घाटों पर खनन शुरू हुआ है। सभी घाटों पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जैसे धर्मकांटा और चेक पोस्ट की स्थापना, ढोने वाले वाहनों पर लाल पट्टी के माध्यम से लाइसेंस नंबर और अन्य जरूरी जानकारी लिखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही वाहनों में GPS लगाने की भी आवश्यकता है। पटना उच्च न्यायालय ने गया के मिर्जा गालिब कॉलेज के 20 शिक्षकों की 2020 में हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया है, क्योंकि यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन था। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण द्वारा पारित 65 पृष्ठों के आदेश में बताया गया कि चयन समिति का गठन नियमों के अनुसार नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि साक्षात्कार बोर्ड में विश्वविद्यालय का कोई प्रतिनिधि नहीं था। अब कॉलेजों की शासी निकाय को आदेश दिया गया है कि वे नए सिरे से वैकेंसी निकालें और सही नियमों का पालन करें। वर्तमान में कॉलेज में 54 स्वीकृत शिक्षकों में से केवल 18 ही बचे हैं। सबौर विजय धान, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में सक्षम है, बिना रोपनी के सीधे बुआई में 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देता है, जबकि रोपनी विधि में 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन मिलता है। यह धान सामान्य धान की तुलना में 35% अधिक उत्पादन करता है और 125 से 135 दिनों में तैयार होता है। केंद्रीय प्रभेद चयन समिति ने इसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के लिए चयनित किया है, जहाँ इसका उत्पादन बेहतर होगा। इसके पौधे 100 से 105 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिनमें 18 से 20 कल्ले निकलते हैं। यह प्रभेद रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बेहतर है, जिससे कीटों के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। बता दें कि धान की इस नई प्रभेद की खोज बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की है। पिछले 3 वर्षों से बिहार सहित देश के 12 राज्यों में परीक्षण किया गया था। बिहार में 2024 के लिए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं तैयार हैं, जिनमें पटना एयरपोर्ट से विदेशों के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शामिल हैं। अगले साल मार्च में नए टर्मिनल की तैयारी के बाद इमिग्रेशन काउंटर सक्रिय होंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार काठमांडू, म्यांमार और सिंगापुर के लिए उड़ानें शुरू होने की संभावना है, जिससे यात्रियों को दिल्ली या कोलकाता जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे समय और पैसे की बचत होगी और बिहार के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से पहुँचाने का अवसर भी मिलेगा। इंडिगो सहित अन्य विदेशी एयरलाइंस भी इन सेवाओं की तैयारी कर
रही है। हालांकि शीतकाल में विमानों की संख्या में कमी आएगी, लेकिन गर्मियों में यह बढ़ने की उम्मीद है। इस प्रकार बिहार के लोगों के लिए आने वाला साल कई सुविधाएं लाने वाला है। विजयादशमी के मौके पर गांधी मैदान सहित 18 स्थानों पर रावण बद्ध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटकर 90 मजिस्ट्रेट की तैनात की गई है। आम लोगों का प्रवेश गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11 से होगा, जबकि दोपहर 1 बजे से गाड़ियों का प्रवेश आज रोक दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर DM और SSP ने मैदान का निरीक्षण किया और बाइकर्स गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी 128 कैमरों से की जाएगी। नियंत्रण कक्ष में 15 मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और पुलिस अधिकारियों को बैरिकेडिंग स्थलों पर लगाया जाएगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस, फायर यूनिट और QRT टीम भी तैनात रहेगी, जबकि सभी अस्पतालों को अलर्ट रखा गया है। बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने घोषणा की है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल BSAP में 2 बटालियन को विशिष्ट व्यक्तियों VIP की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। DGP ने सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। DGP आलोक राज बीते दिन पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में BSAP के पुलिस कर्मियों के VIP सुरक्षा PSO कोर्स के समापन समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस कोर्स को 30 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, जिसमें 169 पुरुष और 32 महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। NSG के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन ने भी बिहार पुलिस के कर्मियों को NSG प्रशिक्षण देने की पेशकश की। बता दें कि VIP सुरक्षा घेरे में व्यक्ति को किसी भी आपात स्थिति से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होता है। बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की जानकारी को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा कार्यालय को सौंपी है। इसके तहत सभी स्कूलों को 30 अक्टूबर तक कक्षा 1 से 12 तक के नामांकित बच्चों का आधार अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने कहा है कि जिले के 95% सरकारी स्कूलों के बच्चों का आधार अपडेट हो चुका है, जबकि निजी स्कूल इसमें पीछे हैं। कुछ स्कूलों ने बिना आधार के बच्चों का नाम पोर्टल पर दर्ज किया है। बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए जिले में 44 आधार केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला शिक्षा कार्यालय ने कक्षावार बच्चों के आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन की नई रणनीति भी तैयार की है, जिससे सभी स्कूलों के हेडमास्टर को शिक्षा विभाग के UGIS पोर्टल पर बच्चों का डिटेल अपडेट करना होगा। औरंगाबाद के नवीनगर में स्टेज 2 के तहत अति आधुनिक अल्ट्रा क्रिटिकल बिजली घर से बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। बिजली कंपनी ने NTPC के साथ औपचारिक करार कर लिया है, जिससे राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। पहले यहां 660 मेगावाट की 3 इकाइयां बनने वाली थी, लेकिन अब बिहार सरकार के अनुरोध पर 800 मेगावाट की 3 नई इकाइयों का निर्माण होगा। बिहार ने नवीनगर में बनने वाली 3 इकाइयों से 500 मेगावाट बिजली की मांग की है। बिहार सहित अन्य राज्यों की मांग पर ऊर्जा मंत्रालय जल्द ही कोटा जारी करेगा और निर्माण में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। NTPC के प्रवक्ता के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में नवीनगर स्टेज 2 का काम शुरू हो जाएगा और 3 साल में बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगी। बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह परियोजना भविष्य में राज्य की बिजली खपत को पूरा करने में मदद करेगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी जारी है। नवादा जिले के रामनगर में पुलिस ने शराब बेचने वाले एक आरोपी राहुल कुमार उर्फ भोलू को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। उसके घर के कुल 124.375 लीटर यानी 124 लीटर 375 ग्राम शराब बरामद की गई है, जिसमें विभिन्न ब्रांड की बोतलें शामिल हैं। नवादा के पुलिस कप्तान अभिनव धीमान के निर्देश पर दुर्गा पूजा के दौरान शराब बेचने और पीने वालों के खिलाफ विशेष छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई है। बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 13,675 सीटों में से 10,363 पर एडमिशन हो चुका है, जो पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। पिछले साल केवल 5,733 सीटों पर एडमिशन हुआ था। इस साल शिक्षकों की कमी दूर होने से एडमिशन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में रिक्त 3,416 सीटों पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका 10 से 16 अक्टूबर तक रहेगा, जिसमें 3,312 इंजीनियरिंग और 104 डेयरी तथा CIPET की सीटें शामिल हैं। 19 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी होगी। JEE मेन 2024 में शामिल सभी योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों ने पहले आवेदन नहीं किया या स्पेशल काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे, वे भी इस राउंड में भाग ले सकते हैं।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 18 से 22 अक्टूबर के बीच हिंदू स्वाभिमान यात्रा का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता जातियों के आधार पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों की जाति नहीं बताई जाती। यात्रा भागलपुर से शुरू होकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जाएगी। सभी मुस्लिम बहुल जिले में है। गिरिराज सिंह ने चेताया कि अगर हिंदू एकजुट नहीं होंगे तो विभाजन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों का उदाहरण देते हुए हिंदुओं को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में 86 रनों की शानदार जीत हासिल की थी। इस मैच में रिंकू सिंह और नितेश रेड्डी ने जब टीम को संकट से बाहर निकाला, रिंकू ने 29 गेंदों पर 53 रन बनाए थे, जबकि नितेश ने 34 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली थी। दोनों ने मिलकर 108 रनों की साझेदारी की थी, जिससे भारत ने 221 रन का स्कोर खड़ा किया। मैच के बाद रिंकू ने बताया था कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें मारते जाओ का संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि रुकना नहीं है, बस मारते जाओ, और इन उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा कि कोच और कप्तान ने हमसे अपना खेल खेलने को कहा। मैसेज आया था कि स्थिति चाहे जो हो, मारते जाओ बॉल को, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ी। मालूम हो कि बांग्लादेश 135 रनों पर सिमट गया था, जिससे भारत को जीत मिली। बिहार में 11 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें घोषित की गई हैं। आज पेट्रोल का दाम 107 रुपये 17 पैसे और डीजल का दाम 93 रुपये 89 पैसे है। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल 105 रुपये 18 पैसे और डीजल 92 रुपये 4 पैसे बिक रहा है। विभिन्न जिलों में पेट्रोल की कीमतें 105 रुपये 25 पैसे से लेकर 107 रुपये 30 पैसे के बीच में है, जबकि डीजल की कीमतें 92 रुपये 11 पैसे से लेकर 94 रुपये तक हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, एंट्री टैक्स और वैट के आधार पर तय होती है। बिहार में पेट्रोल का बेस प्राइस लगभग 52 रुपये 80 पैसे हैं, जबकि डीजल का बेस प्राइस 43 रुपये 20 पैसे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है चंदन कुमार, नन्नू कुमार गोलू, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, छोटू राज, सपना कुमारी, कुश कुमार यादव, नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि दुर्गा पूजा मेले को देखते हुए आपके क्षेत्र में पुलिस प्रशासन व्यवस्था कैसी है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, और बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।